साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूँ आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम केवल और केवल औसत पर बात करेंगे कि औसत के सवालों को चंद मिनटों में कैसे बनाएं। अगर आप नवोदय विद प्रवेश परीक्षा कक्षा छठवीं की तैयारी कर रहे हैं प्रवेश के लिए, तो ये इसमें औसत में तीन तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो साधारण प्रश्न रहेगा जिसका अभ्यास मैं कराऊंगा, उससे पहले एक कोई प्रश्न रहेगा उसमें एक नया सदस्य शामिल हो जाए और कोई समूह है उसमें से एक सदस्य अलग वहाँ से निकल जाए, तब औसत में अंतर पड़ता है। उस औसत को हम कैसे ज्ञात करें वो आपको बस क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आपको टच करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की जो औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल करें। जी हाँ, यहाँ देखिएगा 10 लोगों का समूह है, उसमें कप्तान को शामिल कर रहे हैं, तब औसत आयु एक साल बढ़ जाती है। ठीक है, एक वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की औसत आयु ज्ञात कीजिए या कितनी होगी आपको बताना है। तो इसके लिए मैंने विकल्प नहीं लिया है क्योंकि मुझे बेसिक थोड़ा बताएंगे, उसके बाद ट्रिक से ही हल करना है। तो चलिए यहाँ पर आप कप्तान की जब आयु निकालेंगे, है ना, तो कप्तान की जब आयु निकालेंगे या कोई भी नया जो समूह में शामिल होता है तो उसकी जो आयु निकालेंगे तो करना क्या है वो देखिएगा कि यहाँ पर जो औसत आयु है, नई औसत आयु को आप उसको यहाँ पर एंट्री करेंगे, तो जो नया औसत आयु है उसको यहाँ पर लिखेंगे। एक बार समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब उसके बाद दो चिन्हों का उपयोग करेंगे, एक तो धन करेंगे, एक ऋण करेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि जब क्योंकि कोई भी समूह है उसमें से एक कप्तान को शामिल कर रहे हैं तो औसत आयु बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो धन का चिन्ह लेंगे, और अगर कम हो जाएगी तो औसत आयु क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण का चिन्ह हमें लेना होगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, वृद्धि में हम धन चिन्ह का उपयोग करेंगे, बढ़ रहा है इसलिए, और कमी दर्शाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऋण चिन्ह का उपयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, इसमें हम गुणा लगा देंगे क्या, पूर्व की संख्या का। ठीक है, अब पूर्व संख्या क्या है, पहले कितने था, कितना था टीम में, उसको यहाँ पर लिखेंगे और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए हो कैसा आ गया आंसर, देखिए नया जो है औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है, तो नया औसत आयु एक साल बढ़ रही है, तो पहले कितना था 30 वर्ष, अब नया कितना हो गया, एक साल बढ़ गया तो 31 वर्ष। ठीक है, और वृद्धि हो रही है, बढ़ रही लिखा है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कितने की वृद्धि हो रही है, एक वर्ष की। ठीक है, तो एक को लिखेंगे, कितनी की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, एक वर्ष की। अब इसमें गुणा लगा देंगे, कितना पूर्व संख्या कितना है हमारा, 10 है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया। ठीक, यहाँ पर बोर्ड मास लागू होगा। ठीक है, चलिए बोर्ड मास कैसे लागू, दोनों पहले गुणा करेंगे, तो 10 एकम 10 ही हो जाएगा और उसमें 31 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा, 41 वर्ष। इस तरह से हमारा जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आप बॉल पॉइंट पेन से सर्कल करिएगा। चलिए इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं एक ऐसे ही पैटर्न पर है दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न इस प्रकार है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। जी हाँ, यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो नया औसत 9 हो जाता है, वह जोड़ी हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह हमें नया जोड़ी हुई संख्या पता करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं नई संख्या क्या होगी पता करना है, तो क्या करना है हमें, जो नया औसत है तो यहाँ पर क्या है, नया औसत क्या हो जाएगा इसमें कि औसत 9 हो जाता है। ठीक है, तो नया औसत हो गया 9 हो गया। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, फिर उसके बाद उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो नया औसत 9 हो जाता है, मतलब 8 से क्या हो गया, 9 हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, एक बढ़ रहा है, पहले क्या था औसत 8 था, अब क्या हो गया, 9 हो गया, एक हो गया, बढ़ गया ना। ठीक है, उसके बाद इसमें किसमें किसका गुणा कर देंगे, जो पहली संख्या कितनी है हमारी, 7 संख्या। ठीक है, 7 अंकों की संख्या, 7 संख्याओं का औसत 8 है, मतलब 7। ठीक है, यहाँ पर नई संख्या क्या, पूर्व संख्या क्या है, 7 है। इस तरह से इसको हल बस कीजिएगा, तो 9 में क्या करेंगे, इनको गुणा कर लीजिएगा, बोर्ड मास का नियम मैंने बता दिया है, 7 एकम 7 पहले करेंगे। ठीक है, जोड़ना नहीं है, 9 धन 1 नहीं जोड़ना है। ठीक है, पहले गुणा, पहले भाग करते हैं, नहीं है तो गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सीखे हैं, सीखे होंगे, तो 7 एकम 7 इनको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा आंसर इसका, 16। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 16 हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है, यदि अध्यापक कद का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए, किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। चलिए, चूंकि एक नया अध्यापक उसमें शामिल हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमें जब भी नई संख्या ज्ञात करनी है या नया भार ज्ञात करना है तो नई भार लिख देता हूँ उसको, अध्यापक का नई भार क्या हो जाएगा वो निकालना है। तो काम क्या करेंगे, कितना औसत भार बढ़, माध्य भार बढ़ गया,
अध्यापक को शामिल करने से माध्य भार 400 ग्राम बढ़ गया। तो पहले कितना था हमारा, देखिए प्रश्न में पहले माध्य भार था 42 किलोग्राम, अब 42 किलोग्राम में अध्यापक को शामिल करते हैं तो 400 ग्राम, ठीक है, ये किलोग्राम हो गया और ये 400 ग्राम, ठीक है। तो नया जो औसत क्या बन गया हमारा, 42.400 किलोग्राम, ये नया औसत हो गया, ठीक है। चूँकि बढ़ गया बोल रहा है तो धन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कितने की वृद्धि हुई है हमारी, 400 ग्राम की वृद्धि हुई है, ठीक है। उस वृद्धि को यहाँ लिखेंगे, ये ग्राम है, जी हाँ ये ग्राम लिखा, छोटा सा जी लेता हूँ, और इसमें गुना क्या करेंगे, जो पहले कितने थे छात्र स्कूल में, 34 थे, ठीक है, तो इनको गुना लगा दीजिए इस तरह से। तो कर हल करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42.400, ये किलोग्राम है ये ग्राम है, समझ रहे होंगे, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो गुना करने पर क्या आएगा, 4 × 16 आ जाएगा, 2 जीरो पहले लगा दीजिए, ठीक है, और 4 × 3 = 12, और ये हो गया हमारा 13, ठीक है। ये क्या है, टोटल ग्राम बन गया, ग्राम हो गया। अब इनको किलोग्राम में बदलेंगे, मतलब 1000 से भाग करना पड़ेगा, जी हाँ 1000 से भाग का मतलब 3 अंक 3 जीरो है उसमें, तो 1, 2, 3 के पहले क्या लगा देंगे, 0, तो ये भी क्या बन गया हमारा, किलोग्राम, ये भी क्या हो गया हमारा, किलोग्राम, दोनों को ऐड कर दीजिए बस, तो यहाँ से 6, 4, 10 एक किलो ऐसी हो गया, है ना। तो यहाँ इनको जोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा, यहाँ 3 और 2 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और इन जो ग्राम ग्राम मिलकर क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम बना रहा है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए तो आंसर कितना जाएगा, 56 किलोग्राम। अतः जो उस अध्यापक का जो वजन कितना हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा, 56 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। वीडियो समझ आ रहा होगा, लाइक करते जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पैटर्न पर देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक क्रिकेटर 10 पारियों में औसत 60 रन बनाता है, जी हाँ, ठीक है। 11वीं जो है पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो क्या है, जो सूत्र है, फार्मूला है, ट्रिक है, उसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो उसका 10 पारियों में औसत क्या है, 60 रन की है, ठीक है, और 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत बढ़कर क्या हो जाए, 62 हो जाए। तो यहाँ पर जो नया जो औसत है क्या आ गया हमारा, 62 आ गया, ठीक है। बढ़ रहा है तो धन का चिन्ह लगाएंगे, कितना बढ़ रहा है, 60 से औसत 62 हो गया, मतलब 2 बढ़ रहा है, किसका गुना करेंगे यहाँ पर, पहली जो संख्या क्या थी, 10 पारी थी, वही संख्या को, ठीक है। तो बस आ गया हमारा आंसर, तो यहाँ 62 हो गया, ये 10 × 2 = 20 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा, 82। तो 11वीं पारी में जो है क्रिकेटर है उसने कितनी रन बनाया है, 82 रन बनाया है, ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप औसत समझ रहे होंगे, एक ही ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब छोटे सवालों को ले लेते हैं, उसमें जो है फार्मूला वो भी सीख जाएंगे। जैसे आप 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत निकालिए, ठीक है। तो 3 के जो गुणज है वो आप लिख लीजिएगा, 3 होता है, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 1 + 5 हो गए इस तरह से। अब इनका औसत निकाल दे, तो सूत्र क्या होता है, सभी को जोड़ दो, जितने आंकड़े आपके पास उपलब्ध है उनको जोड़ दो, कितने हैं, 5 है, तो उसे 5 से भाग करो, ये है अपना औसत। एक बात और है, अगर शब्द जो हेर फेर कर दे, औसत बोल दे, यहाँ पर माध्य बोल दे, ठीक है, औसतन बोल दे, समांतर माध्य बोल दे, ये सब एक ही हैं, ठीक है, इनसे आप विचलित नहीं होंगे, ये सब एक ही है, एक ही वर्ड है, इनके अलग अलग उच्चारण होता है, ठीक है, मतलब एक ही है। तो इनको सब जोड़ दीजिएगा, चलो जोड़ते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 3, ये हो गए दोनों 9, 9 = 18, 18 + 12 30, 30 + 15 हो गए हमारा 45, क्लियर है, ये बेसिक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब उसको भाग करेंगे 5 से, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाए हमारा, 9। इस तरह प्रथम जो 3 के जो प्रथम 5 गुणज के जो औसत है, माध्य है, ये 9 आया, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक है, पसंद आया होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसे आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर भेजिएगा। चलिए प्रश्न इस प्रकार है हमारा, अपवर्त का माध्य कितना होगा, चलिए मुझे कमेंट कीजिएगा इसका। चलिए मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।